अच्छा आंटी आप आ गई क्या? अच्छा देख लेना यार फ्रिज में क्या है और जो भी होगा वो बना देना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आज बहुत सारा काम है, प्लीज देख लो क्या है, जो भी है वो बना दो। अरे तुम सबको पॉइंट 10 मिल गया जाएगा, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट गुड लुक्स, गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। तो जैसे मैंने आपको पू की लाइफ बताई, अगर आप सोच रहे हो इन्फ्लुएंसर की लाइफ ऐसी है तो नहीं, मुझे सारी एक्टिविटीज प्लान करनी होती है, सारे मेल्स के रिप्लाई करने होते हैं, आज क्या करने वाली हो वो सारी चीज़ें नोट डाउन करनी होती है, ब्रांड्स के साथ जो कमिटमेंट करे हैं वो फुलफिल करने होते हैं, और जो भी पर्टिकुलर डे का शूट करने वाली हूँ उसके लिए मेकअप करना होता है, एंड मेकअप करने के बाद भी चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं होती हैं, मुझे बैकग्राउंड्स चेक करने होते हैं बार बार कि जो बैकग्राउंड है वो सही आ रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इंस्टाग्राम शूट किया था लाइक 10 स्टाइल विद वन शर्ट, उसके लिए मुझे बार बार ये शूट जो है देखना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है, प्लस गारमेंट्स चूज करने होते हैं कि गारमेंट्स जो है वो सही है या नहीं, प्लस फ्यूचर में ये वर्क करेंगे या नहीं, मुझे सारे यूट्यूब की एनालिटिक्स चेक करनी होती है, इंस्टाग्राम की एनालिटिक्स चेक करनी होती है, और जो ब्रांड्स के साथ एटलीस्ट अगर मैंने किसी को मेल के रिप्लाई नहीं करे हैं तो मुझे मेल के रिप्लाई करने होते हैं, एंड कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है एज ए इन्फ्लुएंसर की। लाइक इट लुक्स लाइक वेरी ग्लैमरस, इट लुक्स लाइक वेरी गुड, बट इस सब करने में पूरा दिन निकल जाता है, फिर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो फोटोशूट पे जाना होता। देखने तो ना तब कभी कभी लोग देखने लगते हैं और बहुत ही फनी सिचुएशन हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि मुझे शर्म आ जाती है कभी कभी, एंड थिंग्स आर लाइक दिस एज ए इन्फ्लुएंसर। मैंने थोड़े से छोटे वक्त में आपको बता दिया एज ए इन्फ्लुएंसर मैं क्या करती हूँ, बट उससे पहले एज ए स्पाउस क्या करती हूँ उसके लिए ये देखिए। सो बिफोर आई शेयर माई लाइफ एज ए स्पाउस, ये चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मुझे आपसे शेयर करनी है, पर हाँ ये कैमरा थोड़ा सा मुझे चेक कर रही हूँ कि सही है या। ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर किया गया है रिवायर ने। रिवायर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द माइग्रेंट्स जो यूरोप में रहते हैं और अपना खुद का ईबान अकाउंट जो है वो फ्री में चाहते हैं और मास्टर कार्ड फ्री में चाहते हैं। पर आज जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मास्टर कार्ड ऑर्डर करने की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्विक है। मैंने इनकी ऐप के थ्रू अपने आप को रजिस्टर किया और मुझे उसी टाइम पे मेरा लाइक इमिडिएटली ईबान जो अकाउंट नंबर था वो मिल गया, एंड जो मेरा कार्ड है वो वर्चुअल उसमें था, वो वर्चुअल कार्ड मैं यूज़ कर सकती थी उस टाइम तक जब तक कि कार्ड नहीं आता। कार्ड आने में 1 वीक लगा, नाउ आई हैव कार्ड एंड दिस कार्ड लुक्स वेरी प्रिटी। लाइक ये जो कार्ड है ये पर्पल कलर का है और ये बहुत सुंदर लग रहा है, लाइक डिज़ाइन ऑफ कार्ड इज़ वेरी गुड। लोडिंग इज़ इंस्टेंटली बाई यूजिंग मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड एंड ऑल्सो बाई यूजिंग सो फोर्थ, दैट इज इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र एंड मास्टर कार्ड। जैसे मैंने आपको बताया लुक्स वेरी प्रिटी, एक्चुअली वेरी प्रिटी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पीपल कैन ऑल्सो गेट देयर सैलरीज इन रिवायर अकाउंट, सो दैट्स ऑल्सो अमेजिंग थिंग इफ यू वॉन्टेड टू यूज दिस। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू आर गेटिंग 2 फ्री ट्रांसफ़र इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफ़र मनी टू इंडिया। लिंक इज इन द description box, yeah right, link is in the description box, just try it, register yourself, get your free IBAN number, get your free MasterCard, order karna bahut easy hai, plus aapko link to main de hi rahi hu free transfer ke liye, use that and share your feedback। तो गाइस चाहे मैं एज ए इन्फ्लुएंसर हूँ चाहे एज ए वाइफ, दोनों ही केस में मैं सबसे पहले उठ के गॉड को थैंक यू बोलती हूँ जो भी मेरे पास है उसके लिए, और उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ, लाइक दीपक को ब्रेकफास्ट देने से लेकर चाय देने से लेकर उसका टिफिन अरेंज करने से लेकर सब कुछ, और उसके बाद जब दीपक चला जाता है तो मैं थोड़ा टाइम जो है वो अलोन टाइम रहती हूँ बाहर नेचर के साथ, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि एज ए
डे की एक्टिविटीज मुझे क्या क्या करनी है, और नेचर के साथ मुझे लगता है कि हम लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो ये टाइम मेरा होता है नेचर के साथ। और फिर वो तो बात सुनी होगी कि एक पत्नी का कर्तव्य होता है हर चीज अच्छे से रखना, मैनेज करना, घर को अच्छे से संभालना, तो ऑफ कोर्स मैं भी वही सब करती हूँ। बिकॉज यहाँ पर डिशवॉशर होते हैं तो मुझे धोने तो नहीं पड़ते बर्तन, पर हर एक चीज जो बिखरी हुई है वो सब कुछ मैनेज करनी होती है, अच्छे से रखनी होती है। तो ये सब चीजें मैं एज ए काम करने से पहले स्टार्ट कर देती हूँ। बेसिकली मैं 9 बजे काम करना स्टार्ट करती हूँ, और उससे पहले मैं ये सब साफ सफाई कर देती हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ, और उससे क्या होता है सब कुछ साफ रहता है, तो ऐसा लगता है कि गुड फील टाइप का फैक्टर आता है, और अगेन उससे मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ। एंड वैसे तो दीपक ऑफिस में खाना ले जाता है, पर वो कभी कभी जब घर में रहता है तो वो कट कर देता है सारा सामान, तो उसकी भी मेरी को हेल्प हो जाती है, प्लस हम लोग मिलजुल के अच्छा खासा कभी कभी खाना बना लेते हैं। बट ये पूरा डिपेंड होता है इसकी चॉइस पर जब मैं अकेली रहती हूँ और दीपक ऑफिस जाता है, तो मैं अपने लिए जो भी होता है, मुझे खाने का मन होता है, वो बनाती हूँ, और फिर थोड़ा सा टीवी देखते देखते, बीच में ब्रेक जब लेती हूँ, टीवी देखते देखते खाती हूँ, प्लस अगेन सब कुछ साफ करती हूँ कि दीपक के आने से पहले सब साफ हो। घर पे बात करना भी इम्पोर्टेंट होता है कि घर पे सब कुछ ठीक है या नहीं, उन्हें भी अपनी जो सिचुएशंस हैं वो बता दी जाए, तो वो भी कर लेती हूँ। और दीपक के आने से पहले चाय रख देती हूँ ताकि उसको एक स्पेशल फील हो कि हाँ यार इसने मेरे आने से पहले किया। ये सिर्फ मेरी चॉइस होती है एज ए स्पाउस। उसके बाद हम लोग बाहर बैठ के डिस्कस करते हैं कि दिन भर में हमने क्या किया। ये मेरा बहुत सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि जब मैं दीपक के साथ सब डिस्कस करती हूँ और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसे बताती हूँ। उसके बाद हमारा टाइम होता है जिम जाने का, हम दोनों साथ में ही जिम जाते हैं। वो मुझे लगता है एज ए स्पाउस या एज ए इन्फ्लुएंसर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीक में 3 से 4 दिन मैं जिम जाती हूँ, और वो करने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और जब हम लोग इवनिंग में कुछ अराउंड 9:30 10 घर जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। और उसके बाद मैं दीपक को स्पेशल फील कराने के लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। इसके बाद क्या, खाना खाते हैं, एक एपिसोड क्राइम पेट्रोल का देखते हैं और सो जाते हैं। सुरभि, हाँ? सब बता दिया, एक चीज तो भूल ही गई है तुम। क्या? दिन भर फोन पे लगी रहती है, चाहे हाउसवाइफ या इन्फ्लुएंसर है, ये कौन बताएगा? सॉरी। अभी ट्रांसफर कर रही हूँ यार पैसा फोन से, और कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम तो भूल जाते हो हमें EMI पे करनी है। सी, रिवायर से कितना इजी हो गया है सेंड मनी करना। और सबसे बड़ी बात, जो मैं फ्री लिंक्स हैं मेरे पास, उसकी वजह से मैं सोचो 2,500 यूरो पे 15 यूरो जो है वो बचा रही हूँ। प्लस रेट्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं इस टाइम पे, FX रेट्स बहुत शानदार दे रहा है ये, तो इट्स वेरी गुड। एंड यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना लोड करने के लिए, जस्ट अपना नाम देना है, लास्ट नेम देना है, फ़ोन नंबर देना है। ये डमी के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट यहाँ पर ये सब चीज़ें डिटेल्स देनी है। एंड द मोमेंट मैं नेक्स्ट करूँगी वो मेरी बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक, लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं सारे इंडिया के, वो सारे आ रहे हैं। आप जैसे ही चूज़ करोगे ऐड कर लोगे। ऐड करना बहुत ज़्यादा इजी है और लोडिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, इमिडिएटली हो जाएगी। एंड यस, दैट्स इट। हाँ, तो दीपक ने बिल्कुल सही कहा, मैं पूरे टाइम फ़ोन पे रहती हूँ, चाहे मैं एज ए इन्फ्लुएंसर हूँ चाहे एज ए स्पाउस हूँ। आपको मेरी कौन सी लाइफ अच्छी लगी एज ए स्पाउस या एज ए इन्फ्लुएंसर, नीचे कमेंट ज़रूर करना। अच्छे हो कमेंट कैसे भी हो, नीचे कमेंट ज़रूर करना। और मैं जो रिवायर की आपको 2 ट्रांजेक्शन्स फ्री दे रही हूँ ताकि आप ट्रांसफ़र कर सको इंडिया, यूरोप से इंडिया, तो वो आप यूज़ करो और अपने फीडबैक्स दो। और वीडियो के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा वो बताना, आपसे रिलेट करता है कुछ या नहीं वो ज़रूर बताना। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाने से पहले सब्सक्राइब
बटन जरूर दबा देना सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए, या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉग इन नहीं किया है तो लॉग इन कर लेना, वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।